मोना मुझे बताया आप फॉरेन फिल्मों में ज्यादा काम करती हैं, फॉरेन फंडिंग का केस नहीं कभी ताड़े ते बने? नहीं, मेरे ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं। मोना डार्लिंग, मेरा मतलब है मोना जी, बाखुदा अगर आप हमारे दौर में होती तो दिलाराम और अनारकली आपको देखकर उसी तरह सरेंडर करती जैसे परवेज इलाही पूरी काफिले लेकर कुप्तान के स्टेडियम पर कुर्बान हो गया। खलील साहब, कभी दिल किया है कि कोई ऐसा एक्टर जिसके लिए आप वाकई डायलॉग लिखना चाहते जैसे अलाउद्दीन साहब, एम इस्माइल साहब, मुनव्वर जरीफ साहब, ते कैदो, अजमल खान साहब? अरे ये बहुत बड़े लोग थे। मैं कभी कभी फील करता हूँ कि आई एम सो अनफॉर्चुनेट कि जिस दौर में मैं आया हूँ उस वक्त वो बड़ा एक्टर मुझे काम काम में असर आया, तो मुझे बड़ी मेहनत करनी पड़ी उनके साथ। गल तो सही ठीक है, कभी कभी माड़े कलम च भी क्लॉट आई जुलने। मगर आई एम श्योर कभी ऐसी फीमेल हीरोइंस भी होंगी जिनके लिए आपका दिल करता होगा यार इसके लिए मैं लिखता रहा। सबिया खानम, शमी मारा, वाह, मैं बहार बेगम साहब के लिए, साहबा के लिए भी कुछ नहीं लिख पाया, फिर आसिया बेगम, अरे, और जेबा बेगम, बला की एक्ट्रेस थी, मतलब आपकी आपकी इंस्पिरेशंस हैं ये सारी पड़ी हुई हैं। नीली साहबा, अरे नीली, सच अ वंडरफुल पर्सन शी इज। मेरी बदकिस्मती है कि मैं एंटर हो रहा था फिल्म इंडस्ट्री में और वो जा चुकी थी, मैं उनको बाद में मिला। सच अ वंडरफुल पर्सन शी इज। तो जब आपकी मुलाकात हुई उनको कन्विंस नहीं किया कि मैं आपके लिए कुछ लिखता हूँ? ऑफ कोर्स वो चार छह दफा इस बारे में बात हुई, लेकिन वो अटल हैं कि वो काम नहीं करना चाहती। मैं खुदा, नीली सिर्फ खलील साहब की फेवरेट नहीं थी, हमारी भी फेवरेट थी। हम तो दिल्ली लाल किले की बालकोनी में अक्सर उनकी यादों में गुम होकर यही गाते हैं, सजन मेरे आ आ आ, सजन मेरे आ आ आ, गुंगे दी रमजन गुंगा जाने ट्यौड़्यों ट्यौड़्यों, सौं जा मेरी बार रख के सराने ट्यौड़्यों ट्यौड़्यों, ओ गुंगे दी रमजन गुंगा जाने, सौं जा मेरी बार रख के सराने, आ जाना तड़पा सजन मेरे आ आ आ, सजन मेरे आ आ। जैसा तुमने गाया है ना, ये सुन के गूंगा भी बोल पड़ेगा। नहीं बादशाह सलामत, जेड़ा तुसी लाल किले दा आखिया है, हाँ। मैं तुसा की तकिया लाल किले दे बाहर किला ठोक के इन्हां नहीं बनया हुंदा जी।